हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो है बताने जा रहा हूँ गूगल एड टाइप्स के बारे में, और ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी जिसमें मैं डीप में जाता रहूंगा, सो दैट कि आपको जो है गूगल एड्स के बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाए। बिकॉज बहुत लोग जो है अपने बिजनेस के लिए गूगल एड रन करते हैं, खुद काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे गूगल एड टाइप्स के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गूगल एड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गूगल एड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसा टूल है जिसपे हम टारगेट, एकदम परफेक्ट टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज तक ला सकते हैं, और वहां से उनको जो है कन्वर्जन करके, यानी कि सेल करके या फिर सर्विसेज सेल करके या प्रोडक्ट सेल करके अपने बिजनेस की जो ग्रोथ है वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड की टाइप्स कितनी तरह के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है तीन तरह की एड्स अवेलेबल हैं। पहली है आपकी सर्च एड्स, दूसरी है आपकी डिस्प्ले एड्स, तीसरी है आपकी वीडियो एड्स। अभी कौन सी एड हमें कब और कहां पर जो है इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सर्च एड की बात करें तो सर्च एड जब भी हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं सर्च एड के, तो वहां पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आप लोगों को कवर अप करूंगा। तो सर्च एड जो है वो आपकी वो एड्स होती है जो सर्च, जब कोई सर्च करता है, जब कोई कुछ कीवर्ड लिख के या कोई सेंटेंस लिख के सर्च करता है, वहां पर जो आपकी एड्स रिप्रेजेंट होती हैं वो आपकी सर्च एड्स कहलाती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी वेबसाइट्स में कि आपके रिलेटिव कीवर्ड से जो है एड्स आपकी विजिबल हो सकती हैं, गूगल के खुद के सर्च इंजन में जो है आपकी एड्स विजिबल हो सकती हैं, आपके यूट्यूब के ऊपर में जब हम कोई सर्च करते हैं वहां पर जो है ये सर्च हो सकती हैं। तो यहां पर जो है इसको कॉन्फिगर करते वक्त, सर्च एड को कैंपेन का पूरा एड जो है सेट करते वक्त कई सारी चीजों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। तो ये पहली जो है वो आपकी होती है सर्च एड्स, जो टारगेट जो है कीवर्ड के जरिए जो सर्च कर रहा है इंसान उसके बेस के ऊपर में जो है उनको एड दिखाई देती हैं। दूसरी होती है यहाँ पे डिस्प्ले एड्स। सो बेसिकली डिस्प्ले एड जो है ये उन मीडिया पे शो करी जाती है जहां पर आपका जो भी एड का आपने सेट करा, कॉन्फिगरेशन करा, कीवर्ड्स वगैरह डाले हैं, टारगेट ऑडियंस डाली है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द कॉन्फिगरेशन व्हाट एवर यू हैव डन इन द बैक एंड, तो उसके बेस के ऊपर में ये जितनी भी रिलेटिव ब्लॉग वेबसाइट्स वगैरह हैं वहां पर डिस्प्ले होंगी, या फिर यूट्यूब के ऊपर में जो वीडियोस हैं वहां पर अगर कोई जाता है उससे रिलेटेड है तो वहां पर जो है साइड पे डिस्प्ले एड्स आती हैं। तो इस तरह से ये डिस्प्ले एड जो है वो काफी जो है अट्रैक्ट करती हैं ऑडियंस को कंपेयर टू सर्च एड। सर्च एड बहुत ज्यादा नैरो कर देती हैं, बट जो डिस्प्ले एड है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट बेस पे भी जो है आप तक टारगेट ऑडियंस को लेकर आ सकती है। फिर तीसरी जो है होती है यहाँ पे कैटेगरी, वो होती है आपकी वीडियो एड्स। सो बेसिकली वीडियो एड, आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम कोई वीडियो किसी यूट्यूबर की जो है प्ले करते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर जो वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं वो वीडियोस जो है बड़े क्रिएटर्स की, बड़े प्रोडक्ट्स की हो सकती हैं, या फिर जो है आज की डेट में बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो स्किल्स हैं वो टीच कर रहे हैं, तो उसकी एड्स जो है हमें देखने को मिलती है जहां पर जो पर्सन है वो बेसिकली जो भी वहां पे उस एड का क्रिएटर है वो पहले एड को क्रिएट करता है, यानी कि उसके लिए बहुत बड़ा एक पहले एड को डालने से पहले एक बहुत बड़ी मशक्कत करी जाती है। आपको अच्छी क्वालिटी के कैमरास होने चाहिए, आपकी स्क्रिप्टिंग परफेक्ट होनी चाहिए कि क्या बोलना है, कितने ड्यूरेशन में बोलना है, और जो है वहां पे काफी सारे और पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर में आपको ध्यान रख के पहले तो एड क्रिएट करनी पड़ती है वीडियो एड, उसके बाद जो है आपको ये टारगेट करना पड़ता है। तो यहां पर आपके पास में बहुत डिटेल्ड टारगेट है, आप ये नहीं कि यूट्यूब के ऊपर में आप डाल दो तो सिर्फ यूट्यूब पे दिखती रहेगी, ऐसा नहीं, आप उसमें भी टारगेट ऑडियंस को जो है डिफाइन कर सकते हैं, चैनल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपकी एड दिखनी चाहिए। तो ये जो है आपके पास में काफी सारी डिटेल के अंदर जाके, आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे वीडियो कंटेंट जो है आपका डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ये जो तीन तरह की एड जो है हम लोग डिजाइन करते हैं, कॉन्फिगर करते हैं गूगल एड पे, पहली सर्च एड, दूसरी होती है डिस्प्ले एड। तो डिस्प्ले एड के लिए आपके पास में एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज सर्च एड के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले एड के अंदर जो है ग्राफिक डिजाइनर से परफेक्ट ग्राफिक्स जो है
वो अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपका डिस्प्ले एड का जो टारगेट है वो विजिबिलिटी बहुत आएगी, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपका आर्टवर्क अगर अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो जो है आपके लोग उस पर क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे, वो एक यहाँ पे जो है एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ग्राफिक अच्छा होना चाहिए। वीडियो एड की बात करें तो वीडियो एड में स्क्रिप्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी लाइटिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को तीन तरह की एड्स बताई हैं, तो आगे डीप डाउन जाते रहेंगे, वन बाय वन इनको जो है क्रिएट करके देखेंगे कौन कौन से पैरामीटर किस एड टाइप की एड के अंदर कौन से पैरामीटर्स आपको जो है ध्यान में रखनी होते हैं। ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को वन बाय वन जो है बताते चलूंगा। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। Till then, stay safe. Goodbye.